हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे कोरे एंडरसन के ऊपर। हम सबको पता है कोरे एंडरसन न्यूजीलैंड के कमाल के ऑलराउंडर, और वो कोरे एंडरसन वो प्लेयर है जिनने शाहिद अफरीदी का फास्टेस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ा था, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। और कोरे एंडरसन ने अपने एरा में काफी अच्छा परफॉर्म किया। वो 29 सालों के है और कोरे एंडरसन ने काफी ही बड़ा डिसीजन लिया है, और कोरे एंडरसन ने न्यूजीलैंड से खेलने से मना कर दिया है, और न्यूजीलैंड की तरफ से उनने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। और साथ ही साथ कोरे एंडरसन ये भी बोला है कि अब वो न्यूजीलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स मूव ऑन होंगे और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए खेलेंगे। तो काफ़ी सैड न्यूज़, क्योंकि अफ्रीकन कुछ प्लेयर्स भी है, वो जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, उनने भी अपने मुल्क को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट प्रेफर किया है, और अब कोरे एंडरसन ने भी न्यूजीलैंड को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेफर किया है कि मैं अपनी बकिया क्रिकेट वहां से खेलूंगा, क्योंकि कोरे एंडरसन को यहाँ प्रॉपर चांस नहीं मिला था। पिछले 2 सालों से वो टीम में भी नहीं थे। तो काफ़ी सैड न्यूज़, और न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर को अब वो मिस करेंगे, और उनकी ड्यूटी, उनकी सर्विसेज मिस करेंगे, क्योंकि कोरे एंडरसन ने अपने एरा में कमाल की परफॉर्मेंस दी न्यूजीलैंड की तरफ से, और अब वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से खेलेंगे, और वहाँ मूव ऑन हो गया है, न्यूजीलैंड से वो रिटायर हो गया है, और अब अपनी क्रिकेट जो कोरे एंडरसन है वो यूनाइटेड स्टेट यूएसए की तरफ से खेलेंगे। तो यही छोटी सी अपडेट थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।